हे हेलो एवरीवन, सो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में, दैट इज़ योर स्पिनल स्ट्रक्चर्स। नाउ ये जो टॉपिक है स्पिनल स्ट्रक्चर्स का, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है और ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। नाउ बेसिकली स्पिनल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो स्पिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें दो मेटल्स होते हैं। एक मेटल होता है ए जो कि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एक मेटल होगा बी जो कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और हमारे पास कोई भी एक नॉन मेटल होता है। अब ये जो नॉन मेटल हमारे पास होता है ये कोई भी हो सकता है, जैसे इट कैन बी सल्फर, इट कैन बी फ्लोरिन और इट कैन बी ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली वो हम ऑक्सीजन के स्पिनल कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, जहाँ पे एक्स हमारा ऑक्सीजन होगा। तो हमारे जो कंपाउंड्स होंगे वो ए होंगे, एच टू हमारा बी होगा, एच टू हमारा ऑक्सीजन होगा। ए के ऊपर प्लस टू चार्ज होगा, बी के ऊपर प्लस थ्री चार्ज होगा, और हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस टू चार्ज का होता है। अब अगर मैं इनके स्टोक्योमेट्री की बात करूँ कि एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, तो ए का नंबर एक एटम प्रेजेंट होता है, बी के दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन के चार एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर हम इनका फार्मूला बनाएं तो इनका फार्मूला बनता है A1B2O4। तो हम इनको कहते हैं स्पिनियल कंपाउंड। अब इसके अंदर जो आपका ए और बी है ये आपके वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर वॉइड्स बिकॉज वो मेटल्स हैं। और आपका जो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई और अनायन होगा तो वो आपका बना के देता है आपको FCC का क्रिस्टल, जिसको हम CCP भी कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आपके सामने जो यूनिट सेल यहाँ पे दिख रहा है, ये यूनिट सेल बनाया किसने? ऑक्सीजन ने। यूनिट सेल बनाया किसने? ऑक्सीजन ने। हर कॉर्नर पे, हर फेस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और यहाँ पर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं। आई होप आपको पता होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूब में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं। अगर आपके पास एक फेस सेंटर्ड क्यूब है उसमें चार एटम्स होते हैं तो उसके अंदर आठ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं और उसके अंदर चार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। ये हमें पता है, अगर आपको लोअर लेवल का ये हम पढ़ाते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, दैट हाउ डू यू लोकेट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूब। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि मेरा ए कहाँ पे प्रेजेंट होगा और मेरा बी कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ए और बी के पोजीशन से हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पिनल कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। वो कौन से होते हैं? देखिए, अगर आपका ए और बी की मैं बात करूँ, अगर आपका एलिमेंट ए, अगर आपका मेटल, और स्पेसिफिकली मैं एक और बात बता दूँ आपको यहाँ पर, जो आपका मेटल ए होता है, जो ए आपका प्रेजेंट होता है, यूजुअली या तो ये ग्रुप टू का एलिमेंट होता है या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और आपका जो ये ए प्लस टू में जो है, और जो ये प्लस थ्री वाला मेटल होता है, प्लस थ्री, ये यूजुअली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अब देखो, या तो वो दोनों सेम हो सकते हैं, आइदर दे कैन बोथ बी सेम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आई कैन हैव एफ ई इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट और आई कैन हैव एफ ई इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अगेन एन एफ ई इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एन ऑक्सीजन इन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन चार बार होगा, तो इट कैन बी रिटन एज FE3O4। ये कंपाउंड के बारे में हमने बहुत बार सुना, FE3O4। इट्स अ स्पिनल कंपाउंड जिसमें एक आयन जो होता है वो प्लस टू में होता है और बाकी के जो दो आयन्स होते हैं आयन के, वो जो होते हैं वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो आइदर दे कैन बी सेम और आइदर दे कैन बी डिफरेंट, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के। मैं उसके डिटेल्स में भी यहाँ पे नहीं जाना चाहता बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वट आर स्पिनल कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे जो नॉर्मल स्पिनल कंपाउंड्स होते हैं उनमें होता क्या है, आपका जो ए एलिमेंट होता है ए, वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। आपका ऑक्सीजन यहाँ पे फेस सेंटर क्यूब बनाता है। अगर ऑक्सीजन ने फेस सेंटर क्यूब बनाया है तो आठ टेट्राहेड्रल वॉइड और चार ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और ऑक्सीजन के यहाँ पे चार एटम्स होंगे, करेक्ट है। अब ए जो कि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि ग्रुप टू का एलिमेंट होगा, वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। अब 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ओवरऑल मेरे पास आठ ही टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं, उसमें से भी 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आपका ए प्रेजेंट होता है, तो उसका रेशियो आ गया 1। ऑक्टाहेड्रल में मेरा बी प्रेजेंट होता है जो कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो भी हाफ ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल चार होती है, उसके आधे में प्रेजेंट है, मतलब कितना प्रेजेंट है? दो। और ऑक्सीजन ने तो FCC बनाया, लैटिस पॉइंट बनाया हुआ है, वो कितना प्रेजेंट है? चार। तो रेशियो कितना आया? 1:2:4। अगर ऐसा कंपाउंड जब आपको मिलता है हम उसको नॉर्मल स्पिनियल कहते हैं। नॉर्मल स्पिनियल में आपको खासियत याद रखनी है कि ए सिर्फ टेट्राहेड्रल में होता है, बी सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होता है। अब इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड नाम सजेस्ट कर रहा है कि सब उल्टा फुल्टा हो जाता है। आपका ए जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में था, अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ना होके वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता है और 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप सोचोगे सर 1/4 क्यों, यहाँ तो 1/8 था, क्योंकि वहाँ पे आठ टेट्राहेड्रल वॉइड थी और आठ में से एक टेट्राहेड्रल वॉइड में मेरा ए प्रेजेंट था, इसलिए 1/8। यहाँ पर चार ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, चार में से किसी एक में प्रेजेंट होगा यानी 1/4, इसीलिए 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमारा जो बी प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है, बी थ्री प्लस जो प्रेजेंट है, जो पहले सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट था, अब वो स्प्लिट हो गया है, आधा चला गया है ऑक्टाहेड्रल में और आधा चला गया है टेट्राहेड्रल में। आधा मतलब उसके दो एटम्स थे,
इट हैड टू एटम्स। अब उसका एक एटम चला गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और एक एटम चला गया है उसका टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब अगर वो एक ऑक्टाहेड्रल में गया है तो वो 1/4 ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्योंकि चार में से एक में गया तो 1/4, और आठ टेट्राहेड्रल में से वो किसी एक में गया है मतलब वो क्या हो गया 1/8 टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं उनका रेशियो अभी देखूँ तो फिर से ये 1:2:4 ही आएगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनवर्स स्पिनल। इनको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से यहाँ लिखना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, मेरे पास यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड है, नॉर्मल, ओके। अब नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड में दो एटम्स होते हैं, पहला कौन सा होगा, ए होगा, दूसरा कौन सा होगा, बी होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं, आठ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं, चार, ये याद रखना। अब जो ए है वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, यानी आठ में से एक में प्रेजेंट है, और मेरा जो बी है वो टेट्राहेड्रल में नहीं है, नॉर्मल में। वो कहाँ प्रेजेंट है, वो ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है, कितना, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि चार में से किसी एक में प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, क्योंकि चार में से किसी दो में प्रेजेंट है। तो हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कितना निकल के आएगा मेरे पास, मेरे पास ये निकल के आएगा आंसर 2, ये ऑक्टाहेड्रल में नहीं प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इनवर्स स्पिनियल की। जो इनवर्स स्पिनियल के कंपाउंड्स होते हैं उसमें फिर से मेरे पास कौन आएगा, ए आएगा, फिर से मेरे पास कौन आएगा, बी आएगा। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। अब जो मेरा ए है वो टेट्राहेड्रल में ना होके वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। अब ऑक्टाहेड्रल में चार में से किसी एक वॉइड में होगा, यानी 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मेरा ए प्रेजेंट है, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो बी, पूरा का पूरा बी जो कि ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट था, जो कि दो एटम्स थे उसके, अब एक एटम उसका जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, टेट्राहेड्रल में, और एक एटम जो होगा उसका कहाँ चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। अब एक आठ में से किसी एक वॉइड में, यानी 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड, और चार में से किसी एक में, यानी 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका इनवर्स स्पिनियल और नॉर्मल स्पिनियल का है। अब याद कैसे रखने का, सिंपल ट्रिक याद रखना, अगर ए का पोजीशन देखो, अगर पूरा का पूरा ए टेट्राहेड्रल वॉइड में है मतलब समझ जाना वो क्या है, या इसको एक और बेहतरीन तरीके से बता देता हूँ, अगर पूरा का पूरा बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है मतलब वो नॉर्मल है, और अगर बी बट गया है, एक आधा ऑक्टाहेड्रल में है, एक एटम ऑक्टाहेड्रल में है और एक एटम टेट्राहेड्रल में, मतलब समझ जाना वो इनवर्स स्पिनियल है। तो ए का पोजीशन अपने आप बदल गया होगा, ए कहाँ पहुँच गया होगा, ए पहुँच गया होगा अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड एंड एन इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाओगे तो आपको पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा Mn3O4, CoFe2O4, Fe2O4, बताओ ये नॉर्मल स्पिनियल है कि इनवर्स स्पिनियल है। अब एक ट्रिक याद रखना, मैं ट्रिक सिखा दे रहा हूँ। अगर आपके Ab2O4 कंपाउंड में जो आपका B है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो यूजुअली वो डी ब्लॉक का मेटल होगा, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0, D1, D5 और D10 निकल कर आती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड कहलाएगा, वरना वो नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड कहलाएगा। मैं दो एग्जांपल्स यहाँ पे करूँगा, तीसरा एग्जांपल आप खुद से कर लेना। मैं इसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बीच में आयन है, आई हैव गॉट Fe2। अब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नॉर्मल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैं लिखूँ आयन का तो वो कितना निकल के आता है, 4s2 3d6, लास्ट, इससे पहले जो हमारे पास आती है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आता है, मैं उसके ऊपर फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, 4s2 3d6। अब अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दो इलेक्ट्रॉन तो s के गए होंगे और एक इलेक्ट्रॉन d का गया होगा, तो अब जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, 4s0 और 3d5। अब 3d5, जैसे मैंने ट्रिक बताया आपको, अगर d5 निकल के आता है, ऑड नंबर है याद रखो, 0 1 5 10 0 1 5 10, ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड। समझ में आया, सिर्फ मिडिल एलिमेंट देखने का जो बीच वाला +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक और लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आपका जो आयन है वो बीच में यानी +3 में है, अगर वो आयन +3 में इसका मतलब इसका भी 4s2 3d6 हुआ होगा, और अगर उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 4s0 हुआ होगा और 3d5 हुआ होगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स। Mn3O4 के बारे में आप प्रेडिक्ट करो, कैसे लिख सकते हो इसको, Mn2O4,
यानी पहला वाला MN जो है वो कहाँ पे है, प्लस टू में है, दूसरा वाला प्लस थ्री में है। अब MN का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, और उसके में से प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, और उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो D में कौन, ये इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है क्या, अगर ये आती है मतलब वो इन्वर्स हो जाएगा, वरना वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पिनल। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया तो एक ट्रिक है, एक्चुअली में जो हम ये करते हैं कैलकुलेशन वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की मदद से करते हैं। आने वाले टाइम में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम इनवर्स स्पिनियल और नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और कंपाउंड होते हैं जिनको कहा जाता है मिक्स्ड स्पिनियल। अब ये ना तो प्रॉपरली नॉर्मल स्पिनियल होते हैं और ना ही ये इनवर्स स्पिनियल होते हैं, ये मिक्स कंपाउंड होते हैं। इनके बारे में भी आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका कंपाउंड ऐसा कोई है जिसमें सेंट्रल मेटल अगर सेंट्रल मेटल आपका आयन है और अगर बाहर ऑक्सीजन लगा, और ये मेटल कोई भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, तो इस कंपाउंड को, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम फेराइट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये याद रखना, जिसके मिडल में आयन होगा। मतलब मैं अगर कहूँ तो ये वाला कंपाउंड भी एक फेराइट स्ट्रक्चर है, और मैं कहूँ तो ये वाला भी कंपाउंड एक फेराइट स्ट्रक्चर है, बिकॉज यहाँ पे आयन प्रेजेंट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को टैकल करोगे, स्पेशली CSIR नेट के और गेट के। इवन कभी कभी IIT जैम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जैम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, BHU वगैरह TIFR की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक क्रिएट कर दिया था। एक्चुअली मैंने ए के पोजिशंस को थोड़ा लेट नाइट शूटिंग कर रहा था तो यहाँ वहाँ हो गया था, तो मुझे दोबारा ये वीडियो शूट करना पड़ा है। ठीक है, तो आई होप ये फंडा अभी क्लियर है। आने वाले टाइम में CFSE से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, और मिक्स स्पिनल के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, जो आप देख लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।